काफी लोगों के सवाल आते रहते हैं कि प्रसार भारती की ओर से जो ओटीटी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली थी, आखिर उसका क्या बना? तारीख बताई जाए तो 3 तारीख कही गई थी, उससे पहले ये जो था 15 सितंबर को लॉन्च करने वाले थे, और ये जो है टाइम टू टाइम हमारे लिए डेट बदलते आ रहे हैं। और रिसेंटली इन्होंने कहा था कि शायद 3 अक्टूबर को अपने नए ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर सकते हैं ऑफिशियली। लेकिन बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एकदम से सही टाइम पर लॉन्च हो जाए, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया में आपको पता ही है कि हर कोई समय का पाबंद नहीं है। यहाँ पर जो है कोई ना कोई चीज जो है वो आगे पीछे होती ही रहती है। तो अब ये कह दिया जाए कि अगर इन्होंने 3 तारीख का अनाउंसमेंट किया था तो वो 3 तारीख को ही लॉन्च करेंगे, ये जरूरी नहीं है। और वैसे भी प्रसार भारती ने कोई ऐसे प्रोमोस जारी नहीं किए थे, प्रसार भारती ने अपनी खुद की वेबसाइट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया था जिससे हम ये कह दें कि वो 3 तारीख को ही ऑफिशियली लॉन्च करने वाले थे। ये कुछ ऐसे चुनिंदा न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे जिस पर प्रसार भारती ने कुछ जानकारी शेयर की थी, या फिर उनके सूत्रों के हवाले से उनको कुछ जानकारी मिली थी जिस पर 3 तारीख की घोषणा की गई थी। तो 3 तारीख हम कह दें कि वो फाइनली लॉन्चिंग डेट थी, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रसार भारती कई तरीकों से जो है प्रयास कर रहा है कि वो आपके लिए परफेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। और हम ये पहली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर देरी होगी एक नए ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च होने में तो उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहां पर जो है प्रसार भारती को थोड़ा सा समय लगेगा एक वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। उसमें आपको टीवी चैनल भी देखने को चाहिए, उसमें आपको सीरीज भी चाहिए, उसमें आपको मूवीज भी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा कंटेंट आपको दिखा दिया जाए जिस पे कुछ खास अवेलेबल ना हो, कोई चुनिंदा मूवीज डाल दी जाए 1-2 होते 3-4 और 2-3 सीरीज डाल दी जाए और 5-10 टीवी चैनल आपको लाइव दे दिए जाए, तो आप खुद ही जो है ये सवाल करने लगोगे कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है वो किस हिसाब से लॉन्च किया है, इसमें कुछ खास देखने को नहीं। क्योंकि लोगों के पास ना आज के समय में बहुत से विकल्प है, केवल वो प्रसार भारती की ओटीटी एप्लीकेशन के इंतजार में नहीं बैठे। अगर डीडी फ्री डिश के कोई ग्राहक भी है ना जो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने स्मार्टफोन में जियो टीवी को इंस्टॉल कर सकता है, जितने भी लाइव टीवी चैनल्स हैं उन्हें वो अपने लैपटॉप मोबाइल में देख सकता है, जबकि वो डीडी फ्री डिश का पार्ट हो या ना हो। तो इसके अलावा आपके पास Z5 का प्रोविजन है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, ये सभी एप्लीकेशन जो है वो आपके सभी तरह के स्मार्टफोन्स पर काम करती हैं, इवन आपके स्मार्ट टीवीज में भी काम करती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि प्रसार भारती की एप्लीकेशन को लेकर बहुत से लोग जो हैं जो कि इतने परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें गालियां दे रहे होते हैं कि आपने जो है ये बोला था, आपने जो है वो बोला था। तो भाई मैं कोई कंपनी का मैनेजर नहीं हूं, मैं कोई प्रसार भारती का मालिक नहीं हूं, जो कि मैंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, तो आपका भी सिर्फ इतना ही काम होना चाहिए कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आप देखिए समझिए। यहां पर जो है जैसे जैसे हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहती है वो हमारा काम है आपको देना, बाकी समझना ना समझना वो आपकी गलती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्रसार भारती अभी भी ऑफिशियली इस एप्लीकेशन को रिलीज करने के लिए, लॉन्च करने के लिए शायद तैयार नहीं है, और यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है। बहुत सा कंटेंट जो है उनको अभी भी चाहिए जिससे वो आपके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखा सकें, और जब तक उनके पास प्रॉपर वे में कंटेंट नहीं आ जाएगा रिलीज करने के लिए, तब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म को आपके लिए लॉन्च करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बाकी आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं हमें। नमस्कार।